हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी आईटीआई स्किल्स के एक और नए वीडियो में। कूलिंग सिस्टम इंजन का बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम है एवं कूलिंग सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है रेडिएटर। आज के वीडियो में हम रेडिएटर की ही डिटेल्ड स्टडी करेंगे। इससे पहले हमारे दो वीडियोज में हमने इंजन कूलिंग सिस्टम के बारे में डिटेल्ड स्टडी की हुई है, तो आप इन वीडियोज को जरूर देखिएगा। इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो आइए अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंजन के सामने फिट किया हुआ यह भाग रेडिएटर होता है। रेडिएट शब्द का अर्थ है गर्मी को बिखेरने वाला। रेडिएटर एक हीट एक्सचेंजर होता है। रेडिएटर का कार्य है इंजन से आने वाले गर्म पानी को ठंडा करना। इसमें प्रवाहित होने वाले पानी को हवा के द्वारा ठंडा किया जाता है। पानी को ठंडा करने में योगदान इसकी संरचना का होता है। रेडिएटर में बहुत सारी पतली नलियां होती हैं। इंजन से आए हुए गर्म पानी को इन नलियों में प्रवाहित किया जाता है। नलियों की संख्या अधिक होने से इंजन से आया हुआ गर्म पानी छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता है। एक तो नलियों की संख्या अधिक होती है एवं इन नलियों के ऊपर फिन्स बनाए जाते हैं, जिससे रेडिएटर का सरफेस एरिया बढ़ जाता है एवं इनसे प्रवाहित होने वाली हवा की मात्रा भी बढ़ जाती है। इससे इनमें से प्रवाहित होने वाला पानी जल्दी ठंडा हो जाता है। रेडिएटर के मुख्यतः तीन भाग होते हैं, अपर टैंक, रेडिएटर कोर एवं लोअर टैंक। अपर टैंक रेडिएटर का सबसे ऊपरी भाग होता है। इसमें कूलेंट भरने के लिए होल होता है जिस पर कैप फिट रहती है। अपर टैंक में ही एक छोटी पाइप लगी रहती है जिसका संबंध रिजर्वायर टैंक से होता है। इसका कार्य होता है रेडिएटर ओवरफ्लो होने की स्थिति में अतिरिक्त कूलेंट को रिजर्वायर टैंक में पहुंचाना। इस पाइप को लीक ऑफ पाइप भी कहते हैं। इंजन का गर्म पानी होज पाइप के द्वारा रेडिएटर के अपर टैंक में पहुंचता है, यानी रेडिएटर के अपर टैंक का संबंध इंजन के वॉटर आउटलेट से होज पाइप द्वारा होता है। लोअर टैंक रेडिएटर का निचला भाग होता है। लोअर टैंक होज पाइप द्वारा वॉटर पंप से जुड़ा रहता है, यानी रेडिएटर के लोअर टैंक के द्वारा ही ठंडे पानी की सप्लाई इंजन को होज पाइप एवं वॉटर पंप के माध्यम से की जाती है। रेडिएटर के लोअर टैंक में एक टैप या ड्रेन प्लग भी लगा रहता है जिसके द्वारा कूलेंट को बाहर निकाला जा सकता है। अपर टैंक एवं लोअर टैंक के बीच लगी रहती है रेडिएटर कोर। रेडिएटर कोर यानी बारीक बारीक ट्यूब्स। इन ट्यूब्स के ऊपर फिन्स लगे रहते हैं जिससे इनका कूलिंग सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इनके ऊपर हवा प्रवाहित की जाती है जिससे पानी ठंडा होता है। पानी के प्रवाहित होने की दिशा के आधार पर रेडिएटर दो प्रकार के होते हैं, डाउन फ्लो रेडिएटर एवं क्रॉस फ्लो रेडिएटर। डाउन फ्लो रेडिएटर में ट्यूब्स में पानी का फ्लो ऊपर से नीचे एवं क्रॉस फ्लो रेडिएटर में पानी का फ्लो हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज होता है। रेडिएटर कोर डिजाइन के आधार पर मुख्यतः दो प्रकार के रेडिएटर प्रयोग किए जाते हैं, ट्यूबुलर कोर रेडिएटर एवं सेल्यूलर कोर रेडिएटर। ट्यूबुलर कोर रेडिएटर में पानी ट्यूब्स के अंदर से प्रवाहित होता है एवं हवा इन ट्यूब्स के बाहर प्रवाहित होती है। यह हवा ट्यूब्स के अंदर बहने वाले पानी की गर्मी को एब्जॉर्ब करके उसे वातावरण में छोड़ती है। सेल्यूलर कोर में पानी ट्यूब्स के चारों तरफ प्रवाहित होता है एवं हवा को इन ट्यूब्स में से प्रवाहित किया जाता है। यह हवा पानी की गर्मी को एब्जॉर्ब करके वातावरण में छोड़ती है। इस प्रकार के रेडिएटर को देखने से ऐसा लगता है जैसे कि यह कोई मधुमक्खी का छत्ता हो, इसलिए सेल्यूलर कोर रेडिएटर को हनी कॉम्ब रेडिएटर भी कहते हैं। रेडिएटर कोर प्रायः कॉपर एवं ब्रास के बनाए जाते हैं क्योंकि इनका हीट ट्रांसफर रेट अच्छा होता है। रेडिएटर के पार्ट्स को सामान्यतः सोल्डरिंग द्वारा आपस में जोड़ा जाता है। अब आइए आज के लेसन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का क्विक रिव्यू कर लेते हैं। रेडिएटर का कार्य है इंजन से आए हुए गर्म पानी को ठंडा करना। रेडिएटर के तीन मुख्य भाग होते हैं, अपर टैंक, लोअर टैंक एवं रेडिएटर कोर।
इंजन का गर्म पानी होज पाइप द्वारा रेडिएटर के अपर टैंक में पहुंचता है, लोअर टैंक से ठंडा पानी वाटर पंप द्वारा इंजन में प्रवाहित होता है, पानी रेडिएटर कोर में ठंडा होता है, रेडिएटर कोर में पतली पतली नलियां होती हैं जिन पर फिन्स बने होते हैं, वाटर फ्लो की दिशा के आधार पर रेडिएटर दो प्रकार के होते हैं, डाउन फ्लो एवं क्रॉस फ्लो। रेडिएटर कोर के अनुसार रेडिएटर दो प्रकार के होते हैं, ट्यूबुलर कोर एवं सेल्यूलर कोर। ट्यूबुलर कोर में पानी ट्यूब्स के अंदर प्रवाहित होता है एवं हवा ट्यूब्स के बाहर। सेल्यूलर ट्यूब्स में हवा प्रवाहित होती है एवं पानी ट्यूब्स के बाहर। रेडिएटर कोर प्रायः कॉपर एवं ब्रास के बनते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी इंजन रेडिएटर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्मोस्टेट वाल्व की स्टडी करेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।